हाई गाइज़ मैं हूँ मेघा एंड वेलकम टू माई चैनल पर्क्यू मेक जिंदी जहाँ हम बात करते हैं ऑल अबाउट फैशन ब्यूटी लाइफ स्टाइल एंड मॉमी टॉप सो गाइज रिसेंटली मैं गोवा गई थी एंड वहाँ मैंने बहुत सारी ड्रेसेस क्रॉप टॉप्स एंड यू नो स्कर्ट्स वगैरह पहनी थी एंड आप में से बहुत लोगों ने मुझे पूछा था कि मेघा इस ड्रेस के अंदर आपने क्या पहना है इस ड्रेस के अंदर आपने किस टाइप का इनोवे पहना एंड इफ पॉसिबल मेक अ वीडियो ऑन इट सो आई अंडरस्टैंड ट्रिकी आउटफिट्स के अंदर क्या पहने ये कई बार यू नो ट्रिकी हो जाते हैं सो आई थॉट लेट मी मेक अ वीडियो ऑन वरेवर आई यूज इन वरेवर आई कैन रिकमेंड सो दैट आपके लिए हेल्पफुल हो सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो गेट्स वीडियो नॉट अब ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ ब्राउस बिकॉज आपको मोस्टली पता ही है कि जैसे नॉर्मल टी शर्ट ब्रा एवरीडे ब्रा नॉन वायर नॉन पैर वो सब इज नोन टू एवरी वन बट आज मैं बताऊंगी जो ट्रिकी आउटफिट होते हैं उनके अंदर आप क्या क्या चीजें अवेलेबल जो पहन सकते हैं सो so, सबसे पहले अंडर स्ट्रापी ड्रेसेस टॉप आउटफिट्स सो so, इस तरह का ऐसे uh, मैंने ये ग्रीन ड्रेस पहनी थी गोवा में सो दिस इज़ अ स्ट्रैपी ड्रेस इसका जो नेक है वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं है बस ऊपर से स्ट्रैप्स हैं सो इस टाइप के सारे आउटफिट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग के अंडर आई वोर माय स्ट्रैपलेस ब्रा आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज या कुछ काम चल रहा है सो दिस इज द स्ट्रैपलेस ब्रा इसमें स्ट्रैप्स भी होते हैं आप इसको नॉर्मल भी पहन सकते हैं एंड ये स्ट्रैप्स आप रिमूव भी कर सकते हैं दिस वन मैंने ली थी जबा में बाय द वे दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो बट मोस्ट माई ब्राज आई गेट फ्रॉम तो ये मुझे काफी अच्छी लगी सो दिस इज वट आई वोर अंडर ऑलमोस्ट ऑल द आउटफिट्स इन गोवा तो ये आप अपने स्ट्रैपी आउटफिट्स के अंदर पहन सकते हैं आप ये किसी ऐसे यू नो डीप नेक वाले आउटफिट के साथ पहन सकते हैं जैसे स्क्वायर नेक्स होते हैं उसके अंदर भी आप ये पहन सकते हैं ब्लाउजेज़ होते हैं जिनके स्ट्रैप पतले होते हैं तो उसमें भी आप पहन सकते हैं सो तो इस तरह के सारे आउटफिट्स ड्रेसेस इंडियन वेस्टर्न के आप अंदर पहनी स्ट्रैपलेस ब्रा ध्यान रखिए कि वो जो आपको अच्छा सपोर्ट दे उसके लिए ना इसमें से आगे से चौड़ा होना जरूरी है एंड पीछे से जो स्ट्रैप है चौड़ा होना जरूरी है अदरवाइज वो आपको अच्छा सपोर्ट नहीं देगा उटिंग so uh, uh, आगे से इतना चौड़ा है तो यह उन आउटफिट पे नहीं चलता है, जिनका लेकिन या प्लज नेकलाइन आता है तो लेट मी शो यू द नेक्स्ट टाइप ऑफ आउटफिट जिसमें फिर क्या पहने वो हम सोचते हैं लाइक दिस इज अ ब्लाउज दिस इज अ ब्लाउज जिसकी आगे से आप नेकलाइन देखेंगे बहुत ही ज्यादा प्लंज नेकलाइन है सिर्फ इतना सा इसमें जो है गैप है ना इसमें आप अगर ऐसी टाइप की स्ट्रैपलेस ब्रा पहनेंगे तो ये दिखेगा है जो बीच का पार्ट है सो so, इसमें आप दो चीज़ें कर सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन इज़ आप प्लंज नेकलाइन ब्रा पहनी प्लंज नेकलाइन क्या होता है ये होता है यानी इसका जो आगे से जो स्ट्रैप है वो इतना पतला है कि आप इसे आराम से ऐसे टॉप्स के अंदर पहन सकते हैं इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये स्ट्रैपलेस नहीं चलता क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है पीछे भी बहुत पतला है तो ये आपको uh, अच्छा सपोर्ट नहीं देगा एज स्ट्रैपलेस बट स्ट्रैप्स के साथ जिसे मैंने आपको ब्लाउज दिखाया आप उस पर ये वाली इस टाइप की ब्रा पहन सकते हैं दिस वन आल्सो आई गॉट फ्रॉम जिवा में इस तरह की अमेजोन पे भी अवेलेबल है आपको मिंत्रा पे भी मिल जाएंगे सो so आप चेकआउट कर सकते हैं uh, मुझे जो लिंक्स uh, जो मैंने लिए हैं उसके मैं ट्राई करूंगी अगर मुझे मिल जाएंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी बट ऐसा कोई भी आउटफिट या ट्रिकी टॉप जिसका आगे से जो पार्ट है वो बहुत छोटा छोटा है उसमें आप स्ट्रैप का प्लंज नेकलाइन वाला ब्रा पहन सकते हैं नाउ नेक्स्ट जो होते हैं वो होते हैं निप्पल कंसीलर्स निप्पल कवर्स स्टिक ऑनस नाउ फॉर ऑल द ब्रालेट या फिर क्रॉप टॉप्स टाइप के जो टॉप्स होते हैं लाइक दिस टॉप जो मैंने पहना था Uh, इसको आप देखेंगे कि इसमें जो है आगे से दीज आर नॉट पैडेड लेकिन इसका जो यहाँ से जो डिस्टेंस है आई uh, मीन I mean, जो चौड़ाई है वो बहुत कम है एंड पीछे से भी चौड़ाई बहुत कम है तो इस पर अगर मैं वो स्ट्रैपलेस ब्रा पहनूंगी तो वो दिखेगा सो इस टाइप के टॉप जिसमें जो है लो नेकलाइन हो एंड वो उसकी जो चौड़ाई है वो भी कम हो तो उस टाइप में आप जो है ये स्टिकॉन्स यूज कर सकते हैं दीज दीजा कॉल निपल्स स्टिकॉन्स सो ये जो है आई यूज दीज वॉन्स ये बेसिकली सिलिकॉन टाइप के स्टिकॉन्स होते हैं जिसका आप ये स्टीकर इस तरह से निकाल सकते हैं जस्ट स्टिक इट ऑन योर निपल्स एंड जब यूज हो जाए आप वापस ये जो स्टीकर है उसको uh, प्लास्टिक को यू नो रैपर को रखिए एंड देन उसको वापस उसी पे चिपका के रख दीजिए सो दीज यू कैन यूज फॉर रियली गुड लॉन्ग टाइम जब तक कि इसका स्टिक ऑन खराब नहीं होता सो so, uh, like तो पता नहीं चलता ऐसे so, बहुत सारे blouses, जो नहीं है एंड जो डीप नेक के हैं पीछे से चौड़े कम है उस पर आप पहन सकते हैं ये या फिर इस तरह की पे आप इस तरह के स्टिकॉन्स लगा सकते हैं या फिर मी शो यू अ ड्रेस जिसका जो कट है बहुत ट्रिकी है सो so, दिस इज अ ड्रेस जो मैंने गोवा uh, की स्ट्रीट मार्केट से खरीदी थी एंड दिस इज अ वेरी नाइस सामो कॉटन ड्रेस लेकिन इसका जो है ना नेक है आगे से एक तो प्लच लेक लाइन है एंड प्लस इसमें ये कट है आपको देखा दिस इज द कट तो अगर मैं इसमें जो है नॉर्मल स्ट्रैपलेस ब्रा पहनूंगी तो वो दिखेगी तो इसमें आई कैन यूज दिस टाइप ऑफ स्टिक स्टिकॉन्स तो फिर उसमें वो दिखेंगे भी नहीं एंड यू कैन वेयर दीज टाइप ऑफ आउटफिट्स तो इस टाइप के आउटफिट्स जो लो नेक लाइन वाले होते हैं या जिसमें ट्रिकी कट्स होते हैं पीछे भी कट कुट होते हैं तो उस टाइप उसमें इस तरह के नेपल कवर्स यूज कर सकते हैं ऑल्सो जैसे प्लंच नेकलाइन है पीछे से भी बैकलेस है तो आप इसमें इस तरह का स्टिकॉन वाला भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह की स्टिकॉन ब्राज आती है जिसका कट आगे से बहुत गहरा होता है तो फिर आप उसमें इस तरह के डीप कट वाले टॉप्स आउटफेट से ड्रेसेस पहन सकते हैं ऑल्सो वाइज यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ फैशन टेप्स जब आपको लगे कि आपका जो आउटफिट है आगे से बहुत डीप नेक है झुके तो आगे ना हो तो आप इस तरह के फैशन टेप्स यूज कर सकते हैं इसमें कुछ नहीं होता टेप होता है उसको खोलो अपने स्किन पे लगाओ और कपड़े पे उसको प्रेस कर दो तो वो स्टिक हो जाता है कपड़ा तो आप इस तरह के इस फैशन टेप्स भी यूज कर सकते हैं सो दैट कोई फैशन पास ना हो कोई ब्लेंडर ना हो सो दिस इज प्रमच मच एवरीथिंग जो मैं यूज करती हूँ विद डिफरेंट यू नो ट्रिकी आउटफिट्स के साथ इन अफ ब्रा सोल्यूशन एंड यू नो निपल इन एवरी थिंग सो ये uh, पहले जो है ट्रांसपेरेंट स्टेप्स बहुत चलते थे बट अब उन्हें कोई नहीं पहनता एंड इस टाइप के सोल्यूशन एवरी वन यूजेसूप uh, टेप्स भी आते हैं बट आई डोंट यूज देम मैंने अभी तक यूज नहीं किया आई यूज दीज वंस तो मैंने आपको इसका यू you नो know, बता दिया सो आई होप दिस वीडियो Was useful guys. I hope आपको अच्छा लगा. If yes, इस वीडियो को को देना ना भूलिए, ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं ऐसी और टिप्स ट्रिक्स एंड मेरी पर्सनल अपडेट्स के लिए मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है मिलती हूँ आपको अगले इंटरेस्टिंग में फील बाय <laughs>